नारा लगाइए, यहाँ खड़ा होकर आपको भी स्वागत। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इधर चुनाव हो रहा है तो ये तो जाके राहुल गांधी जी से ना पूछिएगा। कल संसद भवन में जिस प्रकार से ओवैसी के बयान को लेकर विवाद हुआ, पप्पू यादव के बयान को लेकर विवाद हुआ, और तमाम जो लोग थे लगभग अपनी बातों से जिस प्रकार से प्रहार कर रहे थे, सभी चीजों को लेकर कल बयानबाजी काफी ज्यादा हुई है। वही आपको बता दें कि जिस प्रकार से विपक्ष का मांग है कि डिप्टी स्पीकर हमारे तरफ से होना चाहिए था, जिसको लेकर चुनाव की बात कही जा रही है, जिसके बाद ललन सिंह ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी जिसमें बिहार के सभी सांसद पहुंचे हुए थे। चिराग पासवान थे, जीताराम मांझी थे, ललन सिंह थे, लवली आनंद थी, वहीं उनके साथ आपको बता दें गिरिराज सिंह भी पहुंचे हुए थे और जनार्दन सिंह सिग्रवाल भी पहुंचे थे। लगभग सभी लोग थे वहां पे पहुंचे हुए थे। पहुंचने के बाद उनके बीच क्या बातें हुई हैं, किन चीज़ों पर चर्चा हुई है, पार्टी के बाद जब वो लोग बाहर आए मीडिया से जब रूबरू हुए उसके बाद क्या कुछ बोल रहे हैं, आप सुनिए। संसद में गए और अब हम लोग भी संसद जा रहे हैं, तो कोई बैठक नहीं थी, सिर्फ सभी बिहार के एनडीए के साथियों को हमने नाश्ते पर आमंत्रित किया। स्पीकर के चुनाव में सर आज होने वाला है, पहली बार है कि स्पीकर का चुनाव होगा तो वोट होगा। पहली बार चुनाव हो रहा है और पहली बार चुनाव हो रहा है तो ये तो जाके राहुल गांधी जी से ना पूछिएगा कि नई परंपरा कायम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से जाके पूछिए जो चाह रहे हैं कि बुलडोज कर रहे हैं। उनका कहना है कि डिप्टी स्पीकर आप लोग उनको नहीं दे रहे हैं, इसलिए डिप्टी स्पीकर के लिए कल श्री केसी वेणुगोपाल और श्री टीआर बालू जी आए थे, रक्षा मंत्री जी थे, गृह मंत्री जी थे, जेपी नड्डा साहब थे, हम सब लोग वहाँ थे और उनको ये कहा गया कि डिप्टी स्पीकर का जब चुनाव होगा सभी लोगों से बात करने के बाद तय होगा। वो कह रहे थे कि आज की तारीख में आप ये मंजूर करिए और इसका ऐलान करिए। तो कहीं शर्तों के साथ काम होता है क्या? शर्त के साथ राजनीति नहीं होती है। राजनीति में उन्होंने कहा कि सबसे बात होगी तो बात होगी जब होगी। विपक्ष में एगो राहुल गांधी है क्या? कांग्रेस पार्टी खाली है तो इसलिए आज तो देखे नहीं है आपने। तृणमूल कांग्रेस का क्या बयान आया कि स्पीकर के चुनाव में उम्मीदवार भी उन्होंने खड़ा किया, उनसे भी राय सलाह नहीं किया। तो इन लोगों का यही तरीका है काम करने का और लोकतंत्र की बात करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी जो शपथ के बाद नारा लगाया उसको लेकर, ये गलत है। आप भारत के संविधान के प्रति शपथ लेते हैं और भारत के संविधान के प्रति शपथ लेने के साथ आप किसी विदेशी मुल्क का जिंदाबाद करते हैं, यह आपके जो शपथ आपने लिया उसको भी यह दर्शाता है कि आपने शपथ जो है आधे मन से लिया। विपक्ष के बहुत सांसद अपने अपने तरीके से सर नारेबाजी कर रहे थे, अपने अपने तरीके से। अरे वो तो अलग बात है, सबका नारा लगाते रहिए, आप भी नारा लगाइए, यहाँ खड़ा होके आपको भी स्वागत है, नारा लगाइए। और ललन बाबू बोलेंगे, हम लोग कुछ नहीं बोलना। नाश्ता बहुत अच्छा रहा, इसके लिए बहुत धन्यवाद दिए। चर्चा नहीं, सब लोग जीत कर आए, ललन भाव सबको नाश्ते पे बुलाए थे। क्या क्या नाश्ता में, क्या क्या रहा? स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है, इंडिया कितना कॉन्फिडेंट है, आप लोग कितना कॉन्फिडेंट? पूरी तरीके से, इसमें कहीं किसी को कोई शंका थोड़ी है। और देखिएगा, हम लोग के संख्या बढ़कर ही इस बार उनका चुनाव, जब वो जीतेंगे ओम बिरला जी, तो उसमें संख्या भी आप देखिएगा। कांग्रेस ने जो डिप्टी स्पीकर को लेकर के जो शर्त रखी उसको लेकर क्या कहे? अगर वो संसदीय के परंपरा को नहीं मानेंगे तो स्वाभाविक है चर्चा और किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। दूसरी बात है कि जो ओथ के दिन ओवैसी ने जो ओथ लिया है, देश को अपमान किया है। फिलिस्तीन जिंदाबाद, जय फिलिस्तीन कहना ये कानूनन अपराध है और उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो देश को सीरिया बना देना चाहते हैं, जो देश में उनके अंदर गजवाए हिंद की जो बात चल रही है। इसलिए मैं ये भी कहूँगा, सीनियर नेता हैं ललन बाबू, मंत्री भी हैं, पार्टी के हैं, तो उन्होंने नाश्ता पे बुलाए थे, नाश्ता पर ही हुआ, कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है। स्पीकर चुनाव को लेकर के आप क्या कहेंगी? जो जिस तरह से अभी स्पीकर वाला में हो रहा है कि पहले तो होता था निर्विरोध होता है, वो सबका होता है, सदन का पक्ष विपक्ष सबको लेके चलते हैं, लेकिन पहली बार है जो इस तरह से हो रहा है चुनाव करके, तो ये गलत है ना। तो उस पर हम जो NDA एक है, एकजुट होकर के
अपना जो स्पीकर का चुनेंगे। आज कोई बातचीत नहीं हुई है, आज तो नाश्ते पर हुआ है, हम लोग नाश्ता पर मिले हैं। एकजुटता दिखाने की भी कोशिश, पूरी कोशिश हुई एकजुटता, एकजुटता तो है ही, इसमें दिखाने की क्या जरूरत है, एकजुटता थे ही। लेकिन ये हम कह रहे हैं जो लोग ओथ ले रहे हैं और जो लोग नाराबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से ऐसे सांसद को भी निलंबित कर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ओवैसी जी भी किस तरह से कर रहे हैं, बाकी लोग तो एकदम मैंने ओथ में का जो परंपरा है संसदीय परंपरा उसके अनुसार लोग को चलना चाहिए। ये नहीं कि हम नाराबाजी लगा रहे हैं तो किसी का कर रहे हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जो कहा ओथ लेने के बाद, उसको आप कैसे देख रहे हैं? सिर्फ ओथ तो सिर्फ ओथ होना चाहिए। तो आपने सुना सभी ने किस प्रकार से अपनी बातों को रखा है, जिस प्रकार से कल बयानबाजी का दौर चला संसद भवन में उसको लेकर चर्चा हुई। वही आपको बता दें कि विपक्ष जिस प्रकार से डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहा है, चुनाव की बात कर रहा है, उस पर भी चर्चा हुई और सभी लोगों का मानना है कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो बयानबाजी भी हुआ संसद भवन में वो भी गलत हुआ है और जो डिप्टी स्पीकर की मांग हो रही है वो भी गलत हो रहा है। तो देखिए वो बता दें कि सभी सांसदों ने अपनी अपनी बातों को अपने तरीके से रखा है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।